माधवपुर में रहने वाले रामेश्वर कोरी को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक था, लेकिन घर के हालात ठीक ना होने की वजह से वो कभी भी एयरप्लेन में नहीं बैठ पाए। लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने घर में ही दो जहाज बनाने का सोचा, जिसमें से एक जहाज तो बनकर तैयार है, लेकिन दूसरा तैयार होने से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन अब उनकी आगे वाली पीढ़ी यानी कि उनके बच्चे और उनके भी बच्चे इस प्लेन का भरपूर मजा ले रहे हैं। जहाज में घर के बच्चे चढ़ते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इतना ही नहीं, अब ये गांव भी जहाज वाला गांव नाम से जाना जाने लगा है। तो चलिए करते हैं बातचीत उस घर के सदस्यों से। लोगों को सपने देखने चाहिए, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण है अमेठी का माधवपुर का परिवार। माधवपुर का यह परिवार उड़ना चाहता था एरोप्लेन से, लेकिन गरीबी ने इस चीज को दूर कर दिया कि अब आप शायद प्लेन में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और अब घर में ही एरोप्लेन बना लिया। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं किस तरीका से घर में ही एरोप्लेन बना लिया है। इसके अंदर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सीटिंग की व्यवस्था है, पर्दे लगे हैं, बिल्कुल लाइटिंग लगी है, एयरबस अल्बर्ट एयरबेस लिखा हुआ है और किंग एयरबेस के नाम से इसको बना लिया। इसके अंदर लाइट, नल, उठने बैठने और लेटने की सारी सुविधाएं हैं। और जो ये एरोप्लेन है, ये चक्के भी इसमें लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, बस इसमें एक कमी है, तो एक कि यह उड़ नहीं सकता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार हम इनके परिजनों से भी बात करें और जानने का प्रयास करेंगे कहां से उम्मीदें जगी और कैसे इन्होंने इसका निर्माण किया। कैसे आपने इसका निर्माण किया और कैसे आप लोगों ने घर पे एरोप्लेन बना लिया? निर्माण तो सर इसका ऐसे ही हुआ है कि वही चीज है जो मतलब उन्होंने अपने दिमाग से सारा बनाया हुआ है। एक जो जहाज को देख के इन्होंने सारा जो कहते हैं ड्राइंग ये खाली उसके जहाज लाए थे, खाली उसी को देख के सारा इन्होंने बनाया है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का प्लेन घर में बन गया है, तो जब आप लोग इसमें जाते होंगे तो आपको पूरी फीलिंग्स मिलती होगी? ये पूरी फीलिंग्स मिलती है, पूरा एकदम सब कुछ है। क्या लगता है अब हकीकत में भी प्लेन में बैठना चाहते हैं? नहीं, हकीकत में समझते नहीं अब बैठने जरूरत, क्योंकि घर में ही सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, ये प्लेन उड़ नहीं सकता, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें सुविधा ये है कि आप इसमें बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, इसमें जैसे रहना चाहे रह भी सकते हैं, लाइट की व्यवस्था है, पंखा भी है इसमें। इसका निर्माण आपके पिताजी ने अपने हाथों से किया है या किसी कारीगर से करवाया? अपने हाथ से करा। उन्होंने ये दोनों ही नीचे वाला और ऊपर वाला उन्होंने अपने हाथ से बनाया, क्योंकि गरीबता इतनी थी कि दूसरे को बुलाया नहीं जा सकता, तो उनके पास जैसे रुपये आया थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने धीरे धीरे बनाया है। अच्छा, आपका प्लेन देखने के लिए कौन कौन से लोग आपके पास आ चुके हैं? सर हमारे पास तो बहुत से आदमी आ गए, बहुत से कम हजारों के ऊपर आदमी आ गए देखने के लिए। इसमें लाइटिंग भी है, बच्चे जब आपके जाते होंगे इसके अंदर तो उनको भी एक सुकून मिलता होगा। बिल्कुल। तो कैसा लगता है उन लोगों को? कैसा लगता है क्या सर, जैसे जहाज में सारी सुविधा है, बस वैसे 19-20 का अंतर है बस, क्योंकि उड़ सकता है, उड़ नहीं सकता, बस बात यही है। तो आप थे हमारे साथ परिजन जिन्होंने साफ तौर पर बताया कैसे एक प्लेन में उड़ने के सपने ने घर में ही प्लेन बना दिया और इस प्लेन में वो सुख सुविधाएं दे दी जो एक प्लेन में होती हैं। बैठने के लिए चेयर है, लेटने के लिए चारपाई है, वॉश बेसिन है, नल है, लाइट है और बच्चों के पढ़ने के लिए केबिन तक बना हुआ है। लेकिन इसमें कमी है तो सिर्फ उड़ ना पाने की। तो अमेठी का माधवपुर का यह परिवार सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि अगर गरीबी आपके किसी सपने को तोड़ रही हो तो अपने उम्मीदों को ज्यादा बढ़ा दीजिए, और अगर आपको इनसे भी सीख लेने की जरूरत पड़े तो माधवपुर में आकर इस प्लेन को देखिएगा और किसी भी समय हिम्मत हारने की बजाय देखिएगा कैसे गरीब परिवार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने सपने को अपने हाथों से पूरा किया है। श्रेष्ठ भारत के लिए राहुल शुक्ला, अमेठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।